नमस्कार, अभी हमें इस्लामिक सेंटर में और हमारे साथ हैं दिल्ली प्रदेश कांग्रेस सचिव और सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट सरफराज अहमद सिद्दीकी साहब। आइए जानते हैं यहाँ पर गुरु पर्व मनाया जा रहा है, क्या कुछ संदेश देते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। यहाँ पर इस इंडो इस्लामिक सेंटर में 552वां गुरु पर्व मनाया गया, क्या कुछ संदेश देंगे सर। आज तो जो गुरु नानक जी का गुरु पर्व मनाया जा रहा है, पहली बात तो यह है कि गुरु नानक जी सिख धर्म के संस्थापक और सिखों के पहले गुरु थे, और ये इनके बारे में कुछ भी कहना बहुत छोटी सी बात हो जाएगी, क्योंकि ये लोग शख्सियत जो है इंसान के रूप में ज़रूर आते हैं, लेकिन इनके बारे में जानना इंसान के बस का रोग नहीं है। और आज जो हालात है, जो मेरा मैसेज है गुरुपर्व पे, आज ये जो पूरे विश्व में जो मानवता के खिलाफ जो क्रूरता और जो गलत चीज़ें हो रही हैं, उसमें आज हमें गुरु नानक जी की सख्त ज़रूरत है, उनके बताए हुए मार्गदर्शन पे चलने की ज़रूरत है। और उनके जहाँ तक ज्ञान की बात है, तो वो इस्लामियत, क्रिश्चियनिटी, यहूदियत पे उनका बहुत बड़ा एक फोकस था, ठीक है। तो आज मेरा यह संदेश है, इसी पर्व के लिए आज गुरु पर्व मनाया जाता है जी। हाँ, खासतौर से यहाँ कहा गया यहाँ पर इंडो इस्लामिक में जी, हाँ, कि आप सभी धर्मों के लिए इंटरफेस की ज़रूरत होगी तो हम सबसे आगे आएंगे। आज के हालात में प्रेजेंट जो आज वर्तमान है, इस वर्तमान जो वर्तमान सरकार है, वर्तमान में ये उसको सबक सिखाने की और सबक सीखने की भी ज़रूरत है कि पूरे दुनिया में सिर्फ इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर ऐसा ही एक ही माइनॉरिटीज़ का सेंटर है, जिसमें हर जो त्यौहार है वो बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। बाकी किसी भी जगह आप इस तरह का कोई भी त्यौहार आप और किस कहीं भी नहीं आप पा सकते। जी हाँ, बिल्कुल। और आजकल जिस प्रकार से माहौल है, माइनॉरिटी को और क्या कुछ उद्देश्य के साथ आगे बढ़ना चाहिए अल्पसंख्यक आयोग के? देखिए, ये सरकार का मसला है, ठीक है। मैं इसके बारे में आज कोई पॉलिटिक्स नहीं करना है मुझे, ठीक है, और इसके बारे में मैं कुछ कहना भी नहीं चाहूँगा। कभी और मौका होगा तो मैं कहूँगा, क्योंकि माइनॉरिटीज़ का सवाल नहीं है। आज जो गुरु पर्व है गुरु नानक जी का, आज तो इंसान को इंसानियत सीखने की ज़रूरत है। इसमें कोई आज की डेट में, कोई आज की तारीख में कोई राजनीति की ज़रूरत नहीं है। इकबाल सिंह खासतौर से लालपुरा जी, जिन्होंने कहा कि हम सबको साथ लेके चलेंगे और यहाँ पर अगर मीटिंग होगी तो हम लोग आने के लिए तैयार हैं, ये बहुत अच्छी शुरुआत है। अगर वो इस तरह के, पहली बात तो यह है कि वो एक अलग पोस्ट पे, मैंने कहा ना कि अभी इसमें राजनीति करने की बात नहीं है। यहाँ हिंदू मुसलमान सिख ईसाई हमारे यहाँ तो खुद भी जो है वो भाई भाई हैं, ठीक है। और उसका जीता जागता जो प्रमाण है और नमूना जो है वो सीधा जो है बिल्कुल इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर है। जी हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी दोस्तों, तो ये थे हमारे साथ सरफराज अहमद सिद्दीकी साहब, जो साफ तौर से कह रहे थे कि आज इंसानियत की ज़रूरत है और इसमें इंडो इस्लामिक सेंटर सबसे आगे है, और कोई भी धर्म अगर साथ में आता है इंटरफेस करने की जरूरत होती है तो सबसे आगे रहेगा। कैमरा पर्सन हेमंत के साथ मानवेंद, नमस्कार। देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, ताकि सभी खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सके अपडेट।